सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक अपठित गद्यांश। यानी बच्चों, एक ऐसा पैराग्राफ जो आपने पढ़ा नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे ताकि आप अपने वाचन दक्षता को अच्छी तरह से सुधार सकें। तो चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को। बुधवार को सोहन का जन्मदिन है। वह अपने इस जन्मदिन पर 7 साल का हो जाएगा। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता है। वह अपने जन्मदिन पर घर को गुब्बारों और फूलों से सजाता है। वह शाम को केक काटता है। सब उसे जन्मदिन की बधाई के साथ सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। वह उस दिन बहुत खुश होता है। यह तो बेटा पक्की बात है, हर कोई अपने जन्मदिन पर बहुत खुश होता है। और खुश हों भी क्यों ना भाई, वो तो उसका एक स्पेशल दिन होता है ना। तो चलिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये हमको करने हैं। जैसे बेटा पैराग्राफ को पढ़ के, सोहन का जन्मदिन कब है, यहाँ पर आपके लिए ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सोमवार, बुधवार, मंगलवार या शनिवार। तो आपको चारों ऑप्शन लिखने हैं और सही ऑप्शन पर आपको क्या करना है, ऐसे गोला लगाना है। सोहन अपने इस जन्मदिन पर कितने साल का हो जाएगा, बताइए, 7, 4, 8 या फिर 10। सोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता है, बताइए, 3री में 2री में 4थी में या फिर 5वीं में। सोहन अपने जन्मदिन पर घर को किससे सजाता है बच्चों, कागजों से, मोतियों से, तिनकों से या फिर गुब्बार और फूलों से। अब आपको एक विपरीत अर्थ बताना है इस शब्द का, ठीक है। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आप विपरीत अर्थ बताएंगे। शब्द आपके लिए है एक रात। रात शब्द के यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, सुबह, शाम, दिन और कल। तो ये बेटा आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस काम को अपनी कॉपी में लिखो और लिखने के साथ साथ आप समझिए, ठीक है। हमारा कोर्स आगे चल रहा है, इसलिए अब हम आपका कुछ काम अलग से करवाएंगे। और हाँ, मैं धीरे धीरे कुछ ग्रामर यानी कि व्याकरण भी आपको करवाना चाहूँगी। तो चलिए बच्चों, आज का काम इतना ही। अपना ध्यान रखिए।